हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का फिफ्थ चैप्टर करवाऊंगी, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट हाँ टफ नहीं है, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। सो आपकी उसी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए और आपकी उसी एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प के लिए मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जो मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके बाद भी आपको ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अपनी तरफ से काफ़ी हद तक डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज मैग्नेट। ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको मैग्नेट का पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, हिंदी में तो नाम सुना है कि मैग्नेट को चुंबक कहते हैं। सो मैग्नेट होता क्या है? एक पीस होता है मटीरियल का, जिसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि डायरेक्टिव होती हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव एंड सेकेंड वन इज डायरेक्टिव। अब हर एक पीस ऑफ मटीरियल को आप मैग्नेट नहीं बोल सकते, ठीक है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अट्रैक्टिव मीन्स कि किसी चीज को अपनी साइड अट्रैक्ट करना। अब आपको पता है जो मेटल, जो मैग्नेट है, वो आयरन, जो स्मॉल पीसेस होते हैं आयरन के, निकल के, कोबाल्ट के, इसको अपनी साइड क्या करता है? अट्रैक्ट। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अट्रैक्टिव। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है डायरेक्टिव। मैग्नेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता गया है, सपोज आपने एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें दो पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे तो बहुत सारे टाइप के मैग्नेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल मैग्नेट भी है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर मैग्नेट, जो कि बार मैग्नेट मैंने लिया, उससे मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीज है, ठीक है। सो मैं जब भी मैग्नेट वर्ड बोलूँ आपको इस वीडियो में, हमेशा बार मैग्नेट अपने दिमाग में रखना है। नाउ अब जो बार मैग्नेट है, उसको क्या किया आपने, एक थ्रेड के थ्रू, एक धागे से बांध के और फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली सस्पेंड मतलब ऐसे आपने उसको सीधा लटका दिया। जब आप उसको इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो जो अलाइन करेगा, अगर वो नॉर्थ साइड, जो पोर्शन नॉर्थ साइड में अलाइन कर रहा है, वो क्या हो गया उसका नॉर्थ पोल, और जो साउथ साइड में कर रहा है वो उसका साउथ सीकिंग पोल हो गया, ठीक है। सो ये जो मैग्नेट होता है, इसमें आपके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। सो what you can write is a piece of material, magnet is a piece of material that has both attractive and directive property, ठीक है। एक ऐसा पीस ऑफ मटेरियल जिसके अंदर अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेट है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लाइक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इक्वली स्ट्रॉन्ग। सो जो दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, कोई भी जो मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इन्हीं में अट्रैक्शन होता है और इन्हीं में रिपल्शन होता है। जब दोनों ऑपोजिट पोल्स को, मतलब जैसे दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक क्या हो गया साउथ पोल, जब हम इनके नॉर्थ नॉर्थ को पास में लेकर आते हैं, तो मतलब कि लाइक पोल्स हैं, तो उस टाइम पे रिपल्शन होता है। और आप जब ऑपोजिट पोल्स को एक साथ लेकर आते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ को, साउथ नॉर्थ को, तो उस टाइम पे क्या होता है अट्रैक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है, आदर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इक्वली स्ट्रॉन्ग। जो मैग्नेट है उसके जो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, क्या ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है? सो आंसर होगा येस, ये इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मैग्नेटिक मोमेंट अ वेक्टर इफ येस गिव इट्स डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसके ऊपर इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सो क्वेश्चन है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बताइए, और नहीं है तो भी बताइए, और अगर है तो आपको इसकी डायरेक्शन देनी है। सो आंसर है यस, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो वेक्टर है, ठीक है। अब इससे पूछा गया है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मैंने शॉर्ट में लिखा, आप चाहें तो उसको पूरा लिख दीजिए, ये हो गया डायरेक्शंस, ठीक है। सो इसके डायरेक्शंस क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ की साइड इसकी डायरेक्शन होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर में, जितने भी एसआई यूनिट्स गिवन है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से हर एक चैप्टर की, क्लास 12th का जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है, नवंबर अक्टूबर में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उसका जो सिलेबस है ना, उसके ऊपर बेस्ड मैंने हर एक चैप्टर पे एसआई यूनिट के लिए एक अलग से वीडियोज बनाई हुई है,
जिसमें हर एक चैप्टर की आपको इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स मिलेंगी, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको सिर्फ एसआई यूनिट्स मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। सबसे पहला टॉपिक आता है पोल स्ट्रेंथ। आपको जो पोल स्ट्रेंथ है ना, इसकी एसआई यूनिट बतानी है। एसआई यूनिट से पहले पोल स्ट्रेंथ होता क्या है? पोल मैंने आपको बताया, जैसे जो बार मैग्नेट होता है ना, उसमें नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। मतलब कि एक बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। अब जो पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के, उनमें क्या होता है, मैग्नेट को या जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे कुछ मटेरियल लाइक जिसमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनको अट्रैक्ट करने की ना प्रॉपर्टी होती है। तो जो उनकी स्ट्रेंथ होती है पोल्स की, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की, उसे हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। अब जो पोल स्ट्रेंथ है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर। इसके बाद में जो सेकेंड आता, सेकेंड जो है ऐसा यूनिट आपको बतानी है, वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। कोई भी एक बार मैग्नेट है, जैसे ही हो गया बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, इस बार मैग्नेट के आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है या ओरिएंटेशन होती है किसी भी मैग्नेट की। इसके अलावा आप इसमें एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अ मैग्नेटिक सिस्टम। अब जब मैं यहाँ पे सिस्टम बोलूंगी तो ये आपका बार मैग्नेट भी हो सकता है और डाइपोल भी हो सकता है। डाइपोल का मतलब ये जो पोल्स होते हैं ना, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी भी मैग्नेट में, वो भी ये हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम इन टू बी। यहाँ पे एम की जगह बहुत बार आपको स्मॉल पी भी कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा, तो आप वो भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की, वो बतानी है। अब जैसे हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है, ऐसे ही जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी दो तीन यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, सेकेंड है एनएमटी माइनस वन, थर्ड है जूल और टेस्ला। देखिए जेटी माइनस वन, इसका मतलब होता है जूल अपॉन में टेस्ला। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, तीनों में से आपको तीनों ही लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो अगर आपसे लिखना है कि इसकी आपको यूनिट लिखनी है, तो उस टाइम पे आप ये तीनों लिख सकते हैं, नहीं तो एक तो आपको डेफिनेटली लर्न होनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर और एनएमटी माइनस वन। ये क्वेश्चन था एसआई यूनिट ऑफ, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको दो चीजों की एसआई यूनिट बतानी थी, फर्स्ट पोल स्ट्रेंथ की एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आप इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, जो मैंने यहाँ पे बताया पोल स्ट्रेंथ किसी भी मैग्नेटिक पोल्स में, जैसे जो बार मैग्नेट है उसमें दो पोल्स होते हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो पोल स्ट्रेंथ है किसी भी मैग्नेट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मतलब जो आपने मटेरियल यूज किया उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का मटेरियल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इट्स स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब जो ये मैग्नेटाइजेशन है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती होगी कि मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। सो मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो मैग्नेट को, मैग्नेट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है उसको टेम्परेरी या फिर परमानेंट डालता है, या फिर यू कह सकते हैं कि किसी भी एक पीस ऑफ मटेरियल को परमानेंट या टेम्परेरी मैग्नेट बनाया जा सकता है, तो उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैं इन क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूंगी। अगर वीडियो अभी तक शेयर नहीं करिए तो बहुत ही ज्यादा शेयर करिए, और बहुत ज्यादा भर के लाइक करिए वीडियोज को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।